हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मेंडल से पहले क्या था कि जो साइंटिस्ट थे उनमें ये बड़ा कंफ्यूजन था कि जो मनुष्य है वो हमेशा मनुष्य जैसी संतान को क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर एनिमल हैं उनकी संतान हमेशा एनिमल जैसी ही क्यों होती हैं, ट्री हैं उनकी संतान हमेशा ट्री ही क्यों होती हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी एनिमल की जो प्रोजिनी है वो ह्यूमन जैसी हो सके, या फिर ह्यूमन की जो प्रोजिनी है वो एनिमल जैसी हो सके। अच्छा, एक डाउट और था जो साइंटिस्ट थे उनके मन में, एक डाउट और था कि जो प्रोजिनी है, एक ही पेरेंट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजिनी है वो आपस में कैसे डिफरेंट है, वो एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं है। तो ये सारे डाउट जो है साइंटिस्ट के दिमाग में चल रहे थे। साइंटिस्ट के दिमाग में चलने वाले ये सारे डाउट जो है धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च होता गया वैसे वैसे ये सारे डाउट जो है वो क्लियर होते चले गए। जैसे कि जो डी ग्राफ नाम की एक साइंटिस्ट थे, डी ग्राफ नाम की एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1673 में ये रिपोर्ट किया कि जो मैमल्स हैं उनमें जो ओवरी हैं उनके ऊपर जो वेसिकल्स पाई जा रही हैं वो जो है एग है, वो एग है। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि जो मैमल्स हैं उनकी जो ओवरी हैं उनपे जो वेसिकल्स पाए जा रहे हैं वो एग है। और इन्होंने ये भी रिपोर्ट्स किया कि जो प्रोजेनी है उसमें पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो आते हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो जो है प्रोजेनी में अपने लक्षणों को जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने भी बहुत सारे एनिमल्स की जो है स्टडी की और उनमें जो है स्पर्म की जो है स्टडी की उन्होंने। ठीक है, अब चूंकि स्पर्म और एग के बारे में जानकारियां कलेक्ट हो चुकी थी, स्पर्म और एग के बारे में जो जानकारियां थी वो कलेक्ट हो चुकी थी, तो एक स्वेमरडम और बोनेट नाम के साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में ये आया कि हो ना हो ये जो एग हैं या फिर स्पर्म हैं इन्हीं में पहले से ही मनुष्य का एक पूर्ण लेकिन बहुत ही छोटा रूप जो है पहले से ही मौजूद होता है, पहले से ही एक छोटा सा जो रूप है मनुष्य का वो मौजूद होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसका केवल डेवलपमेंट मात्र होता है। तो ये बोनेट और स्वेमरडम के दिमाग में ये आइडिया जो है आया, बोनेट एंड स्वेमरडम। ठीक है, इसको कहा गया प्री फॉर्मेशन थ्योरी। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है उसमें ये जो है स्वेमरडम और बोनेट ने ये बताया कि जो स्पर्म या फिर एग है, जो स्पर्म या फिर एग है इसी में मनुष्य का छोटा सा रूप जिसको ह्यूमन कुलस कहा गया, जिसको ह्यूमन कुलस कहा गया वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको मिनिएचर ह्यूमन भी कहा गया, मिनिएचर ह्यूमन। ठीक है, तो जान स्वेमरडम और बोनेट ने ये बताया कि या तो स्पर्म या तो एग इनमें जो है मनुष्य का एक बहुत ही छोटा रूप पहले से ही प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इसका केवल डेवलपमेंट मात्र होता है। ठीक है, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन था कि ये जो ह्यूमन कुलस है या फिर मिनिएचर ह्यूमन है या स्पर्म में है या फिर एग में है। तो ऐसे साइंटिस्ट जो मानते थे कि ये जो ह्यूमन कुलस है ये स्पर्म है उसको स्पर्मेटोकुलिस्ट के नाम से जानते थे, जबकि ऐसे साइंटिस्ट जो ये मानते थे कि ये जो ह्यूमन कुलस है ये एग में प्रेजेंट होता है उनको ओविस्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, ओविस्ट एंड स्पर्मेटोकुलिस्ट। ठीक है, स्पर्मेटोकुलिस्ट। तो इस तरीके से साइंटिस्ट की दो कैटेगरी हो गई, कुछ मानते थे कि स्पर्म में ह्यूमन कुलस पाया जाता है, कुछ मानते थे कि एग में जो है ह्यूमन कुलस या फिर मिनिएचर ह्यूमन पाया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इसका विकास मात्र होता है, जैसा कि आपको प्री फॉर्मेशन थ्योरी के नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब इसमें स्पर्म या फिर एग में पहले से ही मनुष्य का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा रूप पहले से ही प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका केवल विकास मात्र होता है। लेकिन ये अभी केवल थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस में रह गई है थ्योरी, इसका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी तो ये साबित हो चुका है कि जो हमारे हेरिडिटी है, जो हमारे कैरेक्टर हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो जीन है, डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये अभी जो है प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी में जान स्वेमरडम और बोनेट ने ये बताया कि स्पर्म या एग में पहले से ही
एक मिनिएचर ह्यूमन पाया जाता है जिसको ह्यूमनकुलस नाम दिया इन्होंने, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद उसका केवल विकास मात्र होता है। इसके बाद वोल्फ नाम के एक साइंटिस्ट आ गए। इन्होंने बताया नहीं भाई ऐसा नहीं है, स्पर्म या एग में एक कंप्लीट ह्यूमन नहीं पाया जाता है, मिनिएचर नहीं पाया जाता है, कुछ अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल होता है। इस थ्योरी को जो है ईपीजेनेसिस नाम दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो एग है या फिर स्पर्म है इसमें पूर्ण विकसित ह्यूमन नहीं पाया जा रहा है, पूर्ण विकसित जो ह्यूमन पहले बताया जा रहा है वो नहीं पाया जा रहा है, कुछ अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल पाया जा रहा है जिसका जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है केवल डेवलपमेंट मात्र होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद जाइगोट बन गया, फिर डेवलपमेंट मात्र उसका जो है केवल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि ह्यूमनकुलस नहीं रहेगा, कुछ अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल रहेगा। अच्छा, इनका जो इंडिकेशन था वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड की तरफ था, न्यूक्लियो प्रोटीन की तरफ था, ठीक है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर होता है। अभी हमको पता है क्रोमेटिन फाइबर जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इस तरीके से जो इनका इंडिकेशन था एक हिसाब से वो जो है न्यूक्लियो प्रोटीन की तरफ था, क्रोमेटिन फाइबर की तरफ था। तो ये जो इनकी थ्योरी है ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। लेकिन वोल्फ ने एक गलती की थी, इन्होंने ये बता दिया कि जो शुरुआत में जो जन्म लेने के समय जो लक्षण जो है पहले नहीं होते हैं वो आकस्मिक जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, बाद में जो लक्षण हम लोगों के अंदर आ जाते हैं जैसे हेयर हैं, टीथ हैं, तो ये सब इन्होंने बताया कि जो है ये आकस्मिक आ जाते हैं, डी नोवो इनकी ओरिजिन होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वॉन बीयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि देखिए भाई डी नोवो ओरिजिन नहीं होती है, ये आकस्मिक लक्षण नहीं आते हैं। इनमें होता क्या है कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं, पुराने ऑर्गन हैं, इनमें माइटोसिस होती है, डिवीजन होता है, डिवीजन के थ्रू जो है नए ऑर्गन या फिर सेल्स का जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वॉन बीयर ने जो इपिजेनेसिस थ्योरी है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। तो इपिजेनेसिस थ्योरी में यही था कि ह्यूमन कुलस के बजाय कुछ अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल स्पर्म या फिर एग में पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका केवल डेवलपमेंट मात्र होता है, ठीक है। तो दिस इज इपिजेनेसिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय वोल्फ, ठीक है। अब जैसा कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी या फिर इपिजेनेसिस थ्योरी से ये तो क्लियर हो गया था कि जो हमारी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थिंग्स हैं वो जो है स्पर्म या फिर एग में ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो यही स्पर्म या एग जो है फ्यूज होकर के एक नई प्रोजनी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो क्लियर हो गया था कि इसी के अंदर जो है या तो ह्यूमनकुलस है या फिर कोई अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल है। अच्छा, अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल जो कि वोल्फ के द्वारा बताया गया था वो जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी था, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसी स्पर्म या फिर एग में कोई ऐसा जो है अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल है जो कि हमारे कैरेक्टर्स को जो है हमसे हमारी प्रोजनी में ले जाता है। तो अभी ये तो क्लियर हो गया कि जो स्पर्म या एग हैं इन्हीं के थ्रू हमारी हेरिडिटी जो है ट्रांसमिट होती है, ठीक है। लेकिन अभी ये डाउट जो है साइंटिस्ट के माइंड में ये था कि जो एक ही पेरेंट्स की जो प्रोजनी है उनमें ये वेरिएशन कैसे है, ये डिफरेंसेस कैसे हैं, ठीक है। तो लैमार्क नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि जिस भी ऑर्गन्स की हम ज़्यादा जो है यूज करते हैं वो ऑर्गन ज़्यादा डेवलप होते हैं और वो जो है हमारी प्रोजनी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी जो है बिल्डअप हो जाती है तो वो क्या होती है हमारे जो प्रोजनी है, जो हमारी प्रोजनी है उनमें भी जो है वो लक्षण ट्रांसमिट होते हैं। इसके लिए इन्होंने एक जिराफ का जो है एग्जाम्पल भी दिया। इन्होंने बताया कि जो पहले जिराफ होते थे वो जो है छोटी गर्दन वाले होते थे, जैसे जैसे उन्होंने पत्तियों को खाया और अब चूंकि नीचे जो पत्तियां थी पेड़ में जो नीचे पत्तियां थी वो समाप्त हो गई, अब ऊपर जो है पत्तियां बची तो गर्दन उनको ऊंचा करना पड़ा, जिराफ को अपनी गर्दन जो है ऊंची करनी पड़ी। तो अभी धीरे 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 क्या हुआ कि उनकी गर्दन जो है ऊंची चली गई और यही ऊंची गर्दन उनकी जो है प्रोजनी में ट्रांसमिट होती चली गई, जिसके वजह से आज जो जिराफ हैं वो ऊंची गर्दन वाले हैं। लेकिन ये जो है डिसप्रूव है,
ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। तो लैमार्क ने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अच्छा, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या है? ऐसे कैरेक्टर जिनको हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं, जानते हैं, जैसे कि अपनी पढ़ाई में निपुणता, या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डअप होता है। तो ये सारे लक्षण जो कि हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं, उनको एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं, लैमार्क का कहना था ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो कि हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं, ये भी जो है हेरिटेबल होते हैं, मतलब हमारी प्रोजनी में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी लैमार्किज्म को जो है सपोर्ट किया, इसके लिए इन्होंने पैनजेनेसिस नाम की एक थ्योरी दी, ठीक है, पैनजेनेसिस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन हैं उनकी एक छोटी छोटी कॉपी है, जिसको इन्होंने पैनजीन नाम दिया या फिर गेम्यूल नाम दिया। तो अगर हमारा जैसे हैंड है तो उसकी एक छोटी कॉपी है, हमारी आईज है तो उनकी एक छोटी कॉपी है, हमारी नोज है तो उसकी एक छोटी कॉपी है। तो इन्होंने बताया जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उनकी सबकी छोटी छोटी कॉपी है, ठीक है, एग्जैक्ट उसी ऑर्गन जैसी। अच्छा, अब मान लीजिए सपोज डैट किसी ऑर्गन में अगर कोई चेंज होता है तो उसके जो है गेम्यूल में भी चेंज होगा, पैनजीन में भी चेंज होगा। और इन्होंने बताया कि ये जो पैनजीन है, ये गेम्यूल है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है हमारी सेक्सुअल जो सेल हैं, जो गैमेट्स हैं, उनमें जो है ये ट्रांसफर होती हैं, और उसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये प्रोजेनी में पहुंचती हैं। तो इस तरीके से अगर किसी ऑर्गन में चेंज होता है तो उसके गेम्यूल में चेंज होगा, और गेम्यूल में चेंज होगा तो फिर प्रोजेनी में चेंज होगा। इस तरीके से इन्होंने एक कोशिश की लैमार्क को जो है सपोर्ट करने की, जो भी हम एक्वायर कर रहे हैं नेचर से, जो भी हमारे बॉडी में, जो भी हमारे जो है शरीर में चेंजेज आ रहे हैं वो हमारी प्रोजनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दी गई डार्विन के द्वारा, ये भी जो है नेग्लेक्ट कर दी गई। अच्छा, डार्विन के द्वारा जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक बुक भी पब्लिश की गई, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की ओरिजिन कैसे हुई, इसको इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का जो है एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने क्या बताया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी में ये बताया कि ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिम्स जो कि फिटेस्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं, वही केवल सर्वाइव करते हैं, बाकी सब जो है एक्सपायर कर जाते हैं। नेचर जो है अपने अकॉर्डिंग चीजों को सिलेक्ट करती है, उसमें जो सर्वाइव कर ले जाते हैं वो जिंदा रहते हैं, बाकी सभी जो है मर जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी जीव अगर फिटेस्ट है तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज जो है वो मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जो जो ऑर्गेनिम्स गुड हैं वो भी सर्वाइव करते हैं, जो बेटर हैं वो भी सर्वाइव करते हैं, और जो बेस्ट हैं वो भी सर्वाइव करते हैं। हालांकि इनका रिप्रोडक्शन रेट कम हो सकता है, जैसे बेस्ट जो है वो हाई रिप्रोडक्शन रेट शो करेगा, बेटर जो है ये मीडियम, और गुड जो है ये थोड़ा सा लो, और इससे अगर कोई पुअर है तो वो और लो। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन रेट तो कम हो सकती है, लेकिन सर्वाइव जो है सभी करते हैं। हालांकि नेचुरल सिलेक्शन का जो इनकी थ्योरी थी वो जो है एक्सेप्टेबल है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में भी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में, जो डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जो नेचुरल सिलेक्शन का जो फंडा है, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का फंडा है, वो जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है विथ सम जो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ये है कि देखिए, फिटेस्ट की ही नहीं, बेटर की भी सर्वाइवल है और गुड की भी सर्वाइवल है, ठीक है। तो इस तरीके से डार्विन ने भी जो है ये कोशिश की कि जो है लैमार्क को सपोर्ट किया जाए, और इन्होंने एक ये
बताने की कोशिश की कि जो हम एक्वायर्ड करते हैं कैरेक्टर्स, जो हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं, उनकी भी इनहेरिटेंस होती है। लेकिन एक बीजमान नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इन सभी लोगों की जो कोशिश थी उस पर पानी फेर दिया। इन्होंने क्या किया, जो चूहे हैं उसकी 22 जनरेशन तक जो है पूंछ काटी। इन्होंने चूहों की 22 जनरेशन तक पूंछ काटी और इनको कोई भी प्रोजनी ऐसी नहीं मिली, कोई भी नेक्स्ट जनरेशन ऐसी नहीं मिली जिसमें कि पूंछ ना हो। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, जैसे ये मान लीजिए चूहा है, ठीक है, ये चूहा है, इसकी इन्होंने पूंछ कट कर दी। अब इसकी जो प्रोजनी आई, भाई अगर जो है इसकी पूंछ हमने कट कर दी है तो इसकी जो प्रोजनी आई है लेमार्क और डार्विन के अकॉर्डिंग वो भी कैसी होनी चाहिए थी, उसमें पूंछ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनको कोई भी ऐसी प्रोजनी नहीं मिली। फिर इन्होंने इसका भी जो है पूंछ कट कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने 22 जनरेशन तक लगातार पूंछ जो है काटी, लेकिन इनको किसी भी जनरेशन में, किसी भी जो है प्रोजनी में ऐसा जो है नहीं मिला कि वो जो है पूंछ रहित हो, टेललेस हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये जो थ्योरी थी लेमार्क की या फिर डार्विन की कि जो एक्वायर्ड करेक्टर्स हैं उनका इनहेरिटेंस होता है, उसको डिस्प्रूव कर दिया और ये बताया कि जो हमारी बॉडी है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से, दो प्रकार के टिश्यू से मिलके बनी होती है, एक तो सोमैटोप्लाज्म, दूसरा जर्म प्लाज्म। तो इन्होंने बताया कि जो चेंजेस सोमैटोप्लाज्म में होते हैं, सोमैटिक सेल्स में होते हैं, वो जो है हेरिटेबल नहीं होते हैं। सोमैटोप्लाज्म जैसे कि सोमैटिक सेल, जैसे कि हमारे हाथ पैर नाक मुंह कान की कोशिकाएं जो कि रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती, जबकि जर्म सेल्स में वो जो है सेल्स आएंगी जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि स्पर्म एग है नहीं, तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इन्होंने बताया अगर इसमें कोई चेंजेज आता है तो ये हेरिटेबल होगा, जबकि सोमैटिक सेल में जो अगर कोई चेंज होता है तो वो हेरिटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसको जो है इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इनकी थ्योरी थी सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म थ्योरी स्पेशली ये कही गई, जर्म प्लाज्म जो थ्योरी थी वो जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि मेंडल से पहले जो है इनहेरिटेंस के लिए, हेरिडिटी के लिए दिए गए कि किस तरीके से हमारी जो हेरिडिटी है, हमारे जो लक्षण हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इनको हमने समझा जाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।